नमस्कार दोस्तों, पीआरसी न्यूज के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी न्यूज, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के खातों से चोरी हो रहे हैं रुपए। बैंक ने सभी को किया सावधान। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। बैंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ग्राहकों से कहा है कि एक स्पाईवेयर है जो कि बिना जानकारी के खाता धारकों के डेटा को चोरी कर रहा है। ऐसे में खाता धारकों को अपने पासवर्ड और पिन की जानकारी को बदल देना चाहिए। बैंक ने कहा है कि फोन में अगर खाता धारकों ने पीएनबी का ऐप डाउनलोड कर रखा है तो फिर उस ऐप में चोरी की जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फोन में ग्राहक कोई जाने अनजाने में कोई ऐसा संदिग्ध ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जो ऐसी सेधमारी कर रहा है। पीएनबी ने ग्राहकों से कहा है कि वो कोई भी ऐसा ऐप या थीम इंस्टॉल ना करें जिसमें आपकी कॉल हिस्ट्री, मैसेज या अन्य जरूरी चीज़ों का एक्सेस मांगा जाए। स्पाईवेयर आपके डेटा का इस्तेमाल करके बैंक खाते से पैसे की चोरी कर सकता है। ऐसे में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि वह अपने मोबाइल फ़ोन में एक अच्छा एंटीवायरस डालें, इसके साथ ही मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट कर लें। पायरेटेड ऐप के इस्तेमाल से हमेशा बचें। आइए जानते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। दरअसल स्पाईवेयर भी एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। इसे यूजर की जासूसी के लिए तैयार किया गया है। यह खुद को बैकग्राउंड में छिपाकर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक करता है। यह आपकी आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और नेट चलाने की आदत को पढ़ता है। स्पाईवेयर आपके कीबोर्ड को भी रिकॉर्ड कर सकता है, यानी आप पासवर्ड में क्या क्या टाइप कर रहे हैं उसे भी रिकॉर्ड करके इसे बनाने वाले हैकर के पास भेजता है। इतना ही नहीं, यह आपके फ्रंट और बैक कैमरे से आपकी हर हरकत पर नज़र रखता है। यहाँ तक कि यह आपके मोबाइल के माइक्रोफोन को भी रिकॉर्ड कर सकता है, अर्थात आपके मोबाइल फ़ोन में लगे माइक्रोफोन के जरिए यह सुन सकता है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। तो फाइनली आप सबके लिए मेरी तरफ से एक सुझाव है कि आप सब फालतू के ऐप जैसे शेयर इट हो या फिर ट्रू कॉलर जैसे ऐप तुरंत अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये सभी ऐप भी ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। क्योंकि ये सभी या इस टाइप के ऐप जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके मीडिया एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, कैमरा एक्सेस, मैसेज एक्सेस की परमिशन मांगते हैं, फिर आपकी सभी गोपनीय जानकारी अपने सर्वर पे भेजते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह करते हैं तो आप अपने उस मोबाइल में फालतू का कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें और साथ ही एक अच्छे एंटीवायरस टोटल सिक्योरिटी वाले सॉफ्टवेयर डाल के रखें। क्विक हेल सबसे बेस्ट एंटीवायरस है, पर वह फ्री नहीं है, उसे परचेज करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल जनरली बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने मोबाइल में करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।